का उपलब्धता हो सबके पास, उसके बाद जो है हर घर में शौचालय हो, शिक्षा का मेरे गांव में अस्पताल हो। इलेक्शन आने वाली है, जनता यदि आपको चुन ले। क्या नाम है उसके? राजपुर देवी। कौन सा पंचायत है भाई? मोगलिया पुरंदरपुर। वार्ड नंबर कितना होगा? 15। वार्ड नंबर 15 होगा। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप जो हम लोगों का है, सबसे पहले शिक्षा में सुधार हो, डीलर उसके बाद जो है हर घर में शौचालय हो, शिक्षा मेरे गाँव में अस्पताल हो। इलेक्शन आने वाली है, जनता यदि आपको चुन लेगी या आपको मुखिया बना देगा पंचायत में, आप अपना पंचायत को और कुछ करना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? तो कौन सा पंचायत से हो गया? पहले आप लोग कौन थे? अभी तो इससे पहले उसका नाम क्या? राखी देवी। आपको इनसे क्या उम्मीद है? तो इस बार जो है आपके लिए ये मुखिया जी ठीक है? मेरे पंचायत में सबसे ज्यादा अभाव है कि अभी जो भी सरकारी स्कूलें हैं, जो भी हम लोग के पंचायत के बच्चे सभी को बाहर से किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा जो होता है उसको मजबूत किया जाएगा। और जहाँ तक होता है कि जो गाँव में विकास कि हम लोग जो है किसी भी चीज़ जो सरकारी आवंटन आता है उससे बाधित हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग के गांव में सड़क निर्माण आया, नाली निर्माण आया या लाइट निर्माण आया, ये सब चीज़ हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है कि पिछले मुखिया जी क्या किए, कहाँ ये आया और कहाँ चला गया, पता भी नहीं चलता है। हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि समाज में अगर हमको जनता वोट देते हैं तो उस पर जो है गौरव कृष्ण कुमार। कौन सा आपके पंचायत क्या हुआ? बोले आपके मुखिया में कौन उठ रहे हैं? ये जो पंचायत में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके लिए किस तरह से सहयोग करेंगे? जहाँ तक होगा भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको इससे उम्मीद है? हाँ, उम्मीद। आपके लिए अच्छा रहेंगे ये मुखिया? अच्छा रहेंगे। क्या पंचायत हुआ? आपका मुखिया जी का नाम आपका? सुरेश पुद्दार। कौन सा पंचायत से? आपका भाभी मुखिया कौन उठ रहे हैं? राखी देवी। राखी देवी, क्या आपको लगता है मुखिया आपके लिए कुछ कर पाएंगे? बहुत कुछ कर पाएंगे। तो जैसे में क्या सब? जैसे में वही जिसको कार्ड नहीं है, राशन वाला वो बनाएगा, डीलर को सही करेगा, शिक्षा को सही करेगा, गली किसी रोड बनवाएगा। इलेक्शन आ रही है तो आप इसको चुनना चाहेंगे ना? चुनना चाहेंगे। आपका शुभ नाम?